तो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू प्ले गेम अनदर फ्रेश एंड न्यू वीडियो स्पाइनर 3D। तो गाइज, आज एक बार हम फिर से एक नई प्ले लिस्ट यानी कि एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं स्पाइनर 3D गेम की। तो जो सबका फेवरेट गेम है, तो आप सभी का ही फेवरेट गेम होगा और आपने सुना भी होगा, और इसकी डाउनलोडिंग जो है 500 मिलियन जो है इसकी डाउनलोडिंग है, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं स्पाइनर 3D एसेसिन। तो इसमें यानी गेम्स का नाम है। तो यहाँ पर अभी कुछ मेरे को बता रहा है कि भाई इस तरीके का मिशन करना है। अभी जो मेरा लेवल जो चल रहा है, थर्ड लेवल ये मेरा स्टार्ट हो चुका है, सॉरी सेकंड ये मेरा लेवल है। तो मेरे को जो मिशन दिया है, इन्होंने बोला वांटेड क्रिमिनल, और ये बोला किल करना है इस बंदे को। इन्हें फोटो दिखा दी, अभी जो बंदा मेरे को ढूंढ रहा है, बंदा तो ये जो सामने खड़ा हुआ भाई ये नज़र आ रहा है मेरे को। अनजूम मैंने वो सॉरी जूम मैंने फुल कर दिया, और अभी जो मैं निकालता हूँ अभी गोली है वो भाई, गोली कितनी ज़बरदस्त स्पीड में आ रही है, क्या ग्राफिक भी आ रही है, ज़बरदस्त ग्राफिक आ रही है भाई इसकी। तो भाई बंदा चल दिया, अभी जो मेरा लेवल अप, कॉन्ग्रेचुलेशन यू रिवार्ड, यानी कि मेरे को रिवार्ड मिला है अच्छे से। पहले मैंने दो लेवल और खेल के चेक करा था भाई, थोड़ा बहुत अगर मैं खेल रहा हूँ तो मेरे को पता भी तो होना चाहिए ना अभी क्या खेल रहा हूँ, कैसे खेलना है। तो इसलिए दो लेवल को मैंने थोड़ा सा खेल के चेक करा। तो अभी आला मैंने थर्ड यानी कि मिशन आपके सामने, इसको कंप्लीट करा। तो अभी आगे लेके जाता है अपने लेवल को, देखते कैसे कैसे लेवल आने वाले हैं, क्या करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम मैंने इसको खेल रहा हूँ, कुछ मेरे को आइडिया इतना है नहीं। तो भाई अभी आगे लेके जाते हैं इसको। अभी ये बोल रहा है टेन का, तो ये कुछ जगह का नाम होगा लग रहा है, स्पाइनर 3D एसेन शूट टू किल। तो थोड़ा ऑप्शंस के अंदर जाते हैं, थोड़ा सा आवाज़ वगैरह इसकी देखते हैं भाई। ग्राफिक तो मैंने इसकी लो रखी हुई, लेकिन ये कि नेक्स्ट टाइम इसको मैं हाई कर दूँगा, क्योंकि लो ग्राफिक के अंदर इतना कुछ मज़ा आ रहा नहीं है अभी, लेकिन अभी नहीं करूँगा भाई, करूँगा मैं नेक्स्ट टाइम में, तो अभी नहीं कर रहा मैं। तो यहाँ पर लो ग्राफिक रखी हुई, कुछ आपको मैंने सेटिंग वगैरह भी दिखा दी। तो यहाँ पर 12 हिडन एर्सनल, तो यानी कि हिडन एर्सनल के अंदर कोई एक बंदा है हाइड हुआ है, जिसको हमें उसको ढूंढ के मारना है। थोड़ा सा जूम करते हैं भाई, लेकिन भाई राइफल मेरे को अच्छे लिए लेनी पड़ेगी, ट्राई करते हैं। ओ भाई अब उसको तो क्रॉस होके निकल गई, ओ भाई डेंजर, ओ भाई हमें मार रहे हैं तो, अबे भाई क्या कर रहा है ये, ओ गया भाई गया, अबे भाई ये रिलोडिंग हो रही है, थोड़ा स्लो स्लो ये लोड करने में लगा हुआ ये। तो इस बंदे को एक गोली मार देते हैं, ओ भाई पोशन, अबे भाई इन बंदों को लग क्यों नहीं रही है गोली, तो मैं परफेक्ट मार रहा हूँ। तो ओ अबे यार फिर मिस हो गई यार, लाइफ में डेंजर हो चुकी है यार। तो मेरा मिशन जो है फेल हो चुका है, बोला अपग्रेड राइफल करनी पड़ेगी, यानी राइफल जो है रेंज जो है थोड़ी सी कम है और डैमेज कम कर रही है, अगर गोली लगती है तो वो डैमेज कम होती है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो राइफल को चेंज करनी पड़ेगी यार, राइफल का निशाने वाली जो चीज़ है, बोला म्यूजिल को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि आगे का जो एक सिलेंसर वाला होता है, तो सिलेंसर वाला मेरे को नहीं चाहिए, तो सिलेंसर नहीं चाहिए मेरे को, म्यूजिल ही लगाना है, जिससे थोड़ा सा डैमेज इसमें ज़्यादा अपन दिखा रहा साइड के अंदर। हंटिंग राइफल के अंदर आपको साइड के अंदर मेन्यू दिखा रहा, तो आपको यहाँ से देखें कि थोड़ा बहुत डैमेज इसका ज़्यादा होगा। और एमओ अगर हम चेंज करना चाहें तो एमओ भी हम अभी चेंज कर लेंगे भाई, पहले आला लेवल खेले इसके बाद एमओ भी चेंज कर लेंगे भाई। पैसे की कमी नहीं है, पैसे हमारे पास, यानी कि कोइंस बहुत हैं, 4052 कोइंस हमारे पास हैं ऑलरेडी मौजूद। तो अभी यहाँ पर ग्रिप वगैरह, एमओ, बॉडी, ग्रिप, स्कोप, तो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है अपने हिसाब से। म्यूजिल हमने लगा लिया, तो अभी म्यूजिल को बाय करना पड़ेगा सबसे पहले तो मेरे को। तो अभी यहाँ पर डैमेज दिखा रहा है 2 आ जाएगा, रेंज इसकी भी दिखा रहा है कि इतनी रेंज आ सकती है इसके अंदर, सब टाइटल वगैरह और क्या स्टेटेबिलिटी। तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, तो मैक्स जूम इतना करेंगे, तो हमने म्यूजिक वगैरह इसके अंदर अभी परफेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो सिलेंसर वाला हमें नहीं लगाना, तो मैंने इसको कंफर्म कर रहा हूँ मैं अभी इसको भाई, मैंने इसको कंफर्म कर दिया और मैंने म्यूजिक इसके अंदर लगा दिया। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं, तो अब ये मेरे हाथों से नहीं बचेंगे भाई, क्योंकि मैंने म्यूजिक अब लगा दिया। तो अभी थोड़ा सा बेक करता हूँ मैं जल्दी से, तो बेक करने के बाद स्टार्ट करता हूँ अपने मिशन को। ये बोल रहा है हिडन एर्सनल वाला, यानी कि हमारा मिशन दिया है। तो अभी यहाँ पर कुछ इसकी डिटेल दे रहा है कि इस बंदे को मारना है, तो अभी हम डिटेल वगैरह ही पढ़ लेंगे, अभी वैसे शो करा देगा या तो डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा भाई, चेक करते हैं क्या चक्कर है। हाँ तो यहाँ पर बोल रहा है मिस्टर चैंपियन, तो इस तरीके से कुछ बता रहा था ये मैंने जल्दी से, क्योंकि अपने पास टाइम है नहीं भाई। तो ये बोल रहा है ऊपर टारगेट बोल रहा है 3 मैन ऑन द रूफ टॉप, यानी कि रूफ के ऊपर यानी कि छत के ऊपर जो 3 बंदे यानी कि 3 बंदे खड़े हैं, इनको टपकाना है। तो अबे भाई यार ये क्या हो रहा है, ये साला निशाना मेरा कहीं और लगने में लगा हुआ साला ने, फिर मेरे लाइफ डैमेज कर दिए समस्या बारे। तो मेरे को रिट्राई करना पड़ेगा, तो मैं रिट्राई करता हूँ वापसी। और मेरा जो है करंट बैलेंस जो है थोड़ा सा कम होते आ रहा है, अभी मेरे 7 थे, तो मैंने जो है अभी 6 हो गए मेरे, सॉरी 8 थे, अब 7 हो गए मेरे भाई। एक बार और फिर ट्राई कर लेते हैं, अब देखते हैं भाई क्या करना है। इन 3 बंदे बड़े महंगे पड़ रहे हैं मेरे को, ये स्पाइनर 3D यार लग रहा थोड़ा अभी से ही हार्ड बना स्टार्ट हो रहा है आस्ते आस्ते।
तभी इसकी पीठ पे मारा मैंने। ओ भाई गया, अब एक ही गोली के अंदर गया ये तो सीधी सीधी। अब ये भी नहीं बचेगा, ये भी एक ही गोली के अंदर जाएगा इसके, तो सीधे मैं पेट के ऊपर ही दूंगा साले के। ओ बच गया यार, वरना तो अभी चल जाता ये, वरना मेरी गोली मिस हो जाती है। शुक्र है इसके लग गया थोड़ा, किनारी जो है क्रॉस हो गई है इसके। इसको भी देते हैं, इसके दिल पे मारनी पड़ेगी। ओ हो कैसे जा रही है यार भाई ये गोली तो। ओ लगी देखो, ज़बरदस्त जगह पे लगी साले की। तो मिशन रिवार्ड मेरे को 1095 यानी कॉइंस मेरे को टोटल मिल चुके हैं। तो मेरा जो है मिशन कम्प्लीट हो चुका है। तो भाई अभी आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो आगे भी इसके अंदर अगर मैं मिशन स्टार्ट करता हूँ तो मिशन स्टार्ट करने वाला पैकेजेस भी दे रहा है हमें। अगर पैकेज अगर हम लेना चाहें तो उनसे पैकेज भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रहा है, तो भाई हमें पैकेज ऐसे पैकेज नहीं चाहिए, पैसों वाले फ्री वाले ऑप्शन दिया करो भाई हमारे को। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल GTA Fun को कर देना सब्सक्राइब और मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर देना लाइक, ताकि नेक्स्ट आने वाली इसी वीडियो की सीरीज जो आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहे। तो जल्दी से आगे लेके जाते हैं अपने इस लेवल को। यहाँ पर स्टार्ट मिशन करते हैं और वापसी से स्टार्ट करते हैं। और अभी अपग्रेड वेपन्स का भी मेरे को ऑप्शन दे रहा, तो नेक्स्ट टाइम ये कि अपग्रेड भी कर लेंगे अपनी वेपन्स, या थोड़ा सा दूसरा ले लेंगे। या इस वेपन्स के अंदर क्या हो रहा है कि थोड़ा सा बंदे को जो है जूम करने के मारने के अंदर जो है ना इतनी रेंज आ नहीं रही है, तो थोड़ी सा रेंज वाली हम लेंगे। तो अभी स्टार्ट करता हूँ मिशन को। ये बोला सेव द होस्टेज, यानी कि हमारा जो होस्ट है उसको सेव रखना है। पुलिस वालों का जो है बंदा जिसने कनपट्टी भी कर रखी है उसको उड़ाना है। अभी इसकी गर्दन उड़ाता हूँ मैं साले की, उसके मुंह पे मारूंगा साले के। ओ हो यार लग रहा है लग जाए बस इसके लिए। ओ लग गई भाई लग गई, अब साला किनारे लग गई साले के, फिर भी मर गया वो। तो मतलब मेरे को भी इसके काफ़ी अच्छे मेरे को कॉइंस मिल चुके हैं। 1119 जो है मेरे को इसके भी कॉइंस मिल चुके हैं। तो इसमें भी कुछ टेंशन वाली बात नहीं है कि बंदा मर गया, बस हमारा अपना बंदा हमने बचा लिया। तो अभी लोज इट करता हूँ मैं सबसे पहले, तो फिर वापसी से मिशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये बोल रहा है चेक योर मिशन हर, तो अभी भाई मिशन हमने स्टार्ट कर लिया। तो अभी 30 के अंदर से 7 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी स्टार्ट मैंने वापसी से करा है, तो पहले अपग्रेड करके चेक करते हैं भाई। यहाँ पर अभी अपग्रेड करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एम ओ मेरे को चेंज करनी पड़ेगी। एम ओ को अगर मैं आपको दिखाता हूँ डेमेज देखें इतने के अंदर आया। म्यूजिक लगाने से तो हमने म्यूजिक लगाया हुआ, एम ओ अगर मैं लगाता हूँ तो भाई 3% और ज़्यादा डेमेज करेगी, यानी 5% कर रही है। जैसे अगर हमने नहीं लगा रहा तो इसकी जो रेंज है अभी म्यूजिक की, तो वो सॉरी एम ओ की, वो है 3% डेमेज कर रही है। अगर मैं एम ओ लगवा लेता हूँ तो भाई मेरे को 5% यानी कि और एक्स्ट्रा ये दे रहे हैं कि भाई और ज़्यादा डैमेज करेगी, इतनी ज़्यादा खतरनाक वाली एमओ मेरे को दे देंगे ये। तो भाई एमओ चेंज करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई यानी कि एमओ, क्योंकि हमें बंदे को डैमेज ज़्यादा करना है। तो भाई एमओ परचेज़ करते हैं। और अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कॉइन है, तो हम कॉइन्स की भाई कमी अभी मेरे पास है नहीं, तो सबसे पहले तो हमें एमओ को परचेज़ करना पड़ेगा मेरे को। तो भाई एमओ को परचेज़ करते हैं, तो यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ मैं। तो कंफर्म मैंने कर लिया, यानी कि एक और बार बोल रहा ख़रीदने की, और ख़रीदना चाहो तो खरीद सकते हो भाई, अब नहीं ख़रीदना हमें इतना एमओ का क्या करेंगे। ये लेवल 2 के लिए बता रहा था, तो अभी हम लेवल 2 हमारा स्टार्ट होएगा नहीं है भाई। तो अभी हमारा चल रहा लेवल 1 के अंदर ही जो है, हमारे काफ़ी सारे लेवल हैं तो वो उनको कम्प्लीट कर रहे हैं। तो अभी हमारा देखते हैं 6 मिशन होगा तकरीबन, 7 या 8 मिशन होगा, चेक करते हैं हमारे कितने मिशन होगा अभी तक। तो भाई साइड के अंदर दिखा रहा है मेरा लेवल 3 दिखा रहा है, ये नहीं लेवल 5 दिखा रहा शायद ये मेरे को। तो चेक करते हैं अभी क्या बोल रहा है ये। ये बोला टारगेट गाय डेड देस आ सूटकेस, तो सूटकेस तो भाई उस बंदे के हाथ में, उसको टपकाते हैं सबसे पहले। तो ओ गया, अबे भाई ये मिशन की फेल हो गया। यू किल्ड एन इनकरेक्ट, तो डोंट किलिंग इम्पोर्टेंस। तो भाई अभी तो भाई यही तो बोल रहा था अभी सूट के साले को, अभी सूट के साले बंदे को टपकाने की यही बोल रहा था, और अभी जैसे मैंने उसको टपका दिया तो साला मना कर रहा है, ये चक्कर क्या है ये साला। फिर स्टार्ट करके चेक करते हैं मिशन को, और अब देखते हैं थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं बंदा जा कर रहा किससे मिल तो नहीं रहा। अगर भाई किसी से मिल रहा होगा तो फिर हमें उस बंदे को टपकाना पड़ेगा, या तो भाई सूट केस तो अभी इसी के हाथ में था तो इसलिए मैंने उसको मार दिया। तो भाई फिर से देखते हैं थोड़ा जूम करके, अब वो बंदा आएगा सूट के साला वापसी से। तो यहाँ पे तो अभी कोई मेरे को बंदा भी नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा जूम कर लिया मैंने फिर भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो बंदा अब आ तो रहा। लेकिन चेक करते हैं अभी किससे मिल रहा। तो भाई इस बंदे से मिलने के लिए आया है, येलो केप वाले से। तो येलो केप वाले के हाथ के अंदर भी अच्छा वो होगा सूट केस, तो मैंने अभी इस पर फायर कर दिया, देखते हैं लग जाए इसको बस। ओ हो ज़बरदस्त जगह लगी है भाई इसके, तो इसके मैं 1142 जो मेरे को, यानी लेवल जो है 4 मेरा कंप्लीट हो चुका है।
तो कलेक्ट रिवार्ड्स, तो मैंने अपने कलेक्ट जो कर लिए रिवार्ड्स को, तो लेवल 4 मेरा कंप्लीट हो चुका। पता चल गया भाई लेवल मेरे कौन से चल रहा है। तो लेवल 4 कंप्लीट हो गया, लेवल 5 का हम स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि अभी तक हमने दो ही मिशन यार कंप्लीट करे इतनी देर के अंदर। तो यहाँ पे लेवल 4 जो मेरा कंप्लीट हुआ, तो लेवल के अंदर जाते हैं और यहाँ पर प्रोफाइल दिखा रहा है, यहाँ पे मिशंस दिखा रहा है। तो मिशंस के अंदर अगर ये दिखा रहा है रेगियंस 1, रेगियंस 2, तो रेगियंस 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, वही कहाँ जा रहा है अभी, कितने सारे हैं 22 तक, यानी कि इसके रेगन्स आ रहे हैं। तो भाई आगे आगे चेक करते हैं इसको, अभी फर्स्ट के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं। अभी 12% ही कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर प्राइमरी मिशन भी दिखा रहा है और यहाँ पर स्पेक ऑप्स भी दिखा रहा है, स्पेक्स ऑप्शन। तो भाई हमें वो नहीं लेना है। तो अभी टोन का बे, तो भाई ये कोई खतरनाक नाम लग रहा है मेरे को भाई ये। तो अभी इसी को जो 12% कंप्लीट हुआ, इन्हीं को कंप्लीट करना पड़ेगा सबसे पहले तो मेरे को। तो अब आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ। छोड़ो स्टार्ट करके क्या करेंगे अब, तो मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा इतने आज के लिए। तो गाइस आज के लिए इतने ही, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर देना लाइक, और मेरे चैनल GTFN को कर देना सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट टाइम भी हम वापसी यहीं से मिलेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।